हेलो स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं रेशियो एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 5th। शॉर्ट टाइप बताने जा रहे हैं। इसमें आपको ध्यान देना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ गया, स्कंध आवर्तन पर 3 टाइम मतलब 3 गुना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 1,20,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब बिके हुए माल की लागत 1,20,000 रुपया दिया हुआ है। और स्टॉक इन द बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब होता है प्रारंभिक रहतिया, ठीक है, ₹10,000 मोर देन द स्टॉक इन द एंड, मतलब कि प्रारंभिक रहतिया से अंतिम रहतिया मतलब क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपया ज्यादा है। ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक 10,000 ज्यादा है। कैलकुलेट करना है बिगनिंग का स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला सबसे पहले लिखिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो लिखना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। आपको ध्यान देना है एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। याद रखना, तो आप लोग याद रखिएगा। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना दिया है, 3। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दिया हुआ है, 1,20,000। एवरेज स्टॉक का पता नहीं, तिरियक गुणा कर देंगे। आपको लिखना है गुणा करेंगे तो क्या होगा, तिरियक गुणा भले करते हैं, एवरेज स्टॉक बराबर क्या होगा हमारा, 1,20,000 भागे 3, 40,000। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब दोनों को जोड़ के, ओपनिंग और क्लोजिंग को जोड़ के 2 से भाग दे दे ना? ना, 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 तो हम क्या निकालेंगे एवरेज का, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। लेकिन एक एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब सबको जोड़ के जितनी संख्या रहे ओपनिंग और क्लोजिंग, इसका मतलब हमारा यहां पर आएगा इसी के नीचे। आप यही चीज होता है एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला, इसको लिख लेना समझने के लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है इसमें। तो अब यहां पर ये हमारा जो 40,000 आया हुआ है, क्या 40,000 हमारा एवरेज है, तो टोटल कितना होगा, टोटल एवरेज का मतलब क्या होता है भाई, एवरेज का मतलब होता है औसत, आधा, आधा मतलब जितना दिया हो उसका आधा, ये आधा है तो पूरा कितना होगा, 80,000 रुपया, मतलब 2 से गुणा किया जाएगा तभी 80,000 आएगा। एवरेज का मतलब क्या होता है, आधा, टोटल के लिए 80,000 आ गया। इसको अपने कॉपी में यहां तक लिख लीजिए। फिर अब हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा और प्रक्रिया को बढ़ाइए। जब हम आगे चलेंगे तो हम मानेंगे, लेट लेट द ओपनिंग स्टॉक बी एक्स, माना लेट द ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू एक्स, माना प्रारंभिक रहतिया बराबर, माना ऐसे हिंदी में लिख लीजिएगा, प्रारंभिक रहतिया बराबर एक्स। अब क्या करें, थोड़ा सा आगे चलते हैं, समझिएगा, यही पर थोड़ी समझदारी दिखाना है भाई, यही पर थोड़ी समझदारी दिखाना है कि टोटल स्टॉक इक्वल टू भाई, टोटल स्टॉक इक्वल टू एक्स हमारा ओपनिंग स्टॉक, एक्स हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक, एक्स हमने ओपनिंग स्टॉक का नाम क्या रखा है, एक्स, ठीक है, और
टोटल स्टॉक में क्या कौन कौन रहेगा, ओपनिंग भी रहेगा क्लोजिंग, ये हमारा ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग वाला क्या रहेगा? एक्स माइनस 10,000, ठीक है। पढ़ते समय शायद मैंने ध्यान दीजिएगा प्रारंभिक रहतिया अंतिम रहतिया से 10,000 अधिक है ना, ये हमारा प्रारंभिक हो गया, ठीक है। प्रारंभिक एक्स रहेगा और अंतिम 10,000 कम रहेगा। अंतिम जब 10,000 कम रहेगा तो क्या होगा, जब अंतिम 10,000 कम रहेगा तो भाई प्रारंभिक अगर एक्स है तो एक्स में 10,000 घटा दीजिए। प्रारंभिक कितना माना गया है, एक्स प्रारंभिक एक्स है तो अंतिम अगर कम है तो ओपनिंग में से अंतिम वाला माइनस कर दो, 10,000 कम है तो हाँ कम कर दिया हमने। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर थोड़ा से, टोटल स्टॉक हमारा कितना है, टोटल स्टॉक ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों रहेगा इसमें, तो आपको ध्यान देना है यहां पर इसको कितने एक्स हो गए, 2x माइनस 10,000। टोटल स्टॉक कितना था हमारा, 80,000। टोटल स्टॉक हमारा कितना था, 80,000 रुपया, 80,000। तो आपको ध्यान देना है x हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक, x हमारा ओपनिंग स्टॉक, x हमारा अगर ओपनिंग स्टॉक है तो 10,000 इधर ले जाइए, 80,000 प्लस 10,000 भागे यहां पर ये इधर चला जाएगा 2, तो x इक्वल टू 45,000 आ जाएगा। x हमारा कितना आ जाएगा, 45,000 रुपये आ जाएगा। x कौन सा, x का मतलब ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमारा 45,000 आ जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी मैंने क्या बताया है, आधा करेंगे तो 45 होगा, 10,000 कम है, 10,000 कम है तो कितना हो जाएगा, 35,000। इसको लिख लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़े बहुत